हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इको केव पार्क और हिमालय दर्शन के बाद मैं आपको ले जा रही हूँ हिमालयन बॉटनिकल गार्डन में, जो कि है खुरपाताल से थोड़ा सा आगे। ये देखिए, हिमालयन बॉटनिकल गार्डन हम पहुँचने वाले हैं। नारायण नगर में है ये जगह। ये देखिए, तो ये है एंट्रेंस। यहाँ से एंट्रेंस पे ही इसका टिकट काउंटर है, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बॉटनिकल गार्डन, तो यहाँ बॉटनी से रिलेटेड, मतलब प्लांट से रिलेटेड बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। तो यहाँ स्कूल कॉलेजेस के बच्चे आते रहते हैं, और यहाँ पर म्यूज़ियम भी है जहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं। और जब मैं MSc में थी तो मेरे क्लास के बच्चे भी यहाँ आए थे, पर मैं उस दिन नहीं आ पाई थी। तो आज मैं देखती हूँ कैसा है। देखिए, तो स्टार्टिंग में मिल गए हमें 2 टाइगर्स जो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं, और सामने वाटर लिली है जो इस समय नहीं हो रहा है क्योंकि इस समय ठंडे का समय है, पाला बहुत पड़ता है, तो कोई भी प्लांट अभी अच्छे नहीं दिख रहे हमें यहाँ पर। देखिए, सब मुरझा चुके हैं, छोटे छोटे प्लांट सब मुरझा जाते हैं। तो देखिए, 2 क्रोकोडाइल्स हमारा वेलकम कर रहे हैं। ये देखिए क्रोकोडाइल, ये छोटा सा पॉन्ड सा बना है, और ऊपर देखिए बटरफ्लाई आपको देख रहे होंगे, आप लोहे के एंगल्स लगाए हुए हैं, और समय शायद इसमें प्लांट्स रहते होंगे, फ्लावर्स रहते होंगे। और अब हम जा रहे हैं ऊपर को, देखिए मेडन हेयर ट्री, ढेर सारे प्लांट्स हैं यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, क्योंकि हम आए हैं जनवरी लास्ट में, तो इस समय पाला बहुत पड़ता है, ठंडे से बहुत से प्लांट ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए, ये तो नॉर्मल से हैं जो आपको इधर भी मिल जाएंगे। बहुत ही शांत सी जगह है ये भी। ये देखिए, देखिए कितनी अच्छी बटरफ्लाइज वगैरह बनाई हुई हैं ये सब। तो अभी फ्लावर्स तो कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, शायद हम किसी और सीजन में आते तो अच्छे से हमें फ्लावर्स वगैरह दिखते। ये भी बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, लेवेंडर, सदाबहार, ये सब देखिए। पर इस समय फ्लावर्स वही है कि हमें नहीं दिख पा रहे हैं कुछ भी। तो अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम के, और ये देखिए कितने अच्छे हैंडमेड फ्लावर पॉट हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये थोड़ा शेड में है इसलिए प्लांट्स अच्छे हैं। और ये ऑडिटोरियम है, इधर अंदर को इंसेक्ट म्यूज़ियम है, इंसेक्ट्स और बटरफ्लाई वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे यहाँ। ये है एंट्रेंस। ये आपने देखा होगा पहाड़ों में बहुत होता है ये, और इसको स्टोर करके रखा हुआ है। देखिए कितने सारे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, और बटरफ्लाइज देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर लाइफ है, ये हिल रहे, हिलेंगी अभी, ऐसा इनको देख के लग रहा था। बहुत अच्छी अच्छी स्पीशीज़ हैं डिफरेंट टाइप्स के। ये देखिए प्लांट्स, पत्ते भी लगाए हैं, पत्तों के ऊपर भी हैं। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, और बहुत ही अलग अलग टाइप के यहाँ पर रखे हुए हैं ये सब बटरफ्लाइज वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह। देखिए कितने अच्छे से सजाए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी ये मूव करेंगे। ड्रैगन फ्लाई देखिए, कोई गाइड तो हमें मिला नहीं बताने के लिए, लेकिन शायद कुछ ऐसा केमिकल वगैरह कुछ लगा के रखते होंगे जिससे ये बिल्कुल रहते हैं जैसे ये थे पहले। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारे आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। तो बॉटनी जूलॉजी के बहुत सारे कॉलेज से यहाँ ट्रिप्स आते रहते हैं। और ये देखिए पेंटिंग कितनी बढ़िया पेंटिंग की हुई है, लेडीबग, मशरूम्स वगैरह। ये देखिए टेडपॉल, फ्रॉग वगैरह सब कुछ है इसमें। और ग्रीनरी इतनी अच्छी तो नहीं दिख रही है, ये देखिए। और ये फोन में भी प्लांट्स उग गए हैं। के ऊपर शेड में लगाए हुए हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। ऊपर भी है ऊपर, लेकिन हम उतना ऊपर गए नहीं। ये देखिए, ये कुछ ऐसा पत्थर का बनाया हुआ है, इससे वाटर फॉल टाइप का कुछ दिया होगा, पर इस समय ये भी ऑन नहीं था। बिच्छू, नेटल, जो हमारे सौंड बोलते हैं जिसको पहाड़ी में।
अब हम इधर से जा रहे हैं एक लाइकेंस की वो देखने के लिए। तो एक पॉली हाउस सा बना हुआ है, देखते हैं। और रास्ते में देखिए कितने सारे प्लांट्स हैं, वन तुलसी, वन अजवाइन, तिमूर, मैदा। ये देखिए ये पॉली हाउस सा बनाया हुआ है, यहाँ सिर्फ लाइकेंस वगैरह, ये देखिए फर्न वगैरह। और ये स्टेयर्स में ऐसे पूरे लपेटे हुए हैं, बहुत अच्छा यहाँ का व्यू था, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। और अब हम वापस आ गए हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ आपको कुछ ऐसी फोटोज वगैरह मिल जाएंगी। ये देखिए बटरफ्लाई बनी हुई है, फोटोज वगैरह के लिए एरिया भी बहुत अच्छा है। ये देखिए कुछ फोटोज मैंने डाल दी है। इसके बाद हम गए इससे आगे सूखा ताल, जिसे अब सरिता ताल बना दिया गया है। और इससे आगे एक वाटरफॉल भी था, पर हम वहाँ गए नहीं। कुछ फ़ोटोज़ खिंचा के यहाँ से वापस आ गए हैं। ये आगे हम फ्लैट्स में, और यहाँ ये है नैना देवी मंदिर, ये मल्लिताल में है, और ये भोटिया मार्केट है पूरी। तो आप यहाँ घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, और रेस्टोरेंट हैं सामने बहुत सारे, तो आप जो चाहे वहाँ खा सकते हैं। चाइनीज़ फूड बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर, ये देखिए फ्राइड राइस और मंचूरियन और हनी चिली पोटैटोस। थोड़ी देर खाना खा के फिर हम चले गए। और देखिए बच्चों को तो नींद आ गई है, क्योंकि पूरा दिन हमारा बहुत हेक्टिक रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।